हाय एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। अपन यहाँ पढ़ेंगे एमपी एनएचएम के द्वारा जो एग्जाम हुई थी अभी लेटेस्ट में 2021 में स्टाफ नर्स के लिए, तो उसकी आंसर की है दोस्तों। अभी तक अपन ने फर्स्ट वीडियो में 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सेकंड वीडियो में 21 से शुरू करेंगे, तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों ये जो आंसर की है, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो लेटर है थोड़ा स्मॉल साइज में है, तो यदि आपके मोबाइल में आप इस तरह से देख रहे हैं स्टेट फॉर्म में और क्लियर नहीं दिख रहा दोस्तों, तो आपके मोबाइल को इस तरह से लेटर कर लीजिए ताकि मोबाइल में वीडियो को क्लियर दिखे, लेटर क्लियर दिखे। तो चलिए शुरू करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से। फर्स्ट क्वेश्चन, डायलेटेशन एंड वेरिकोसिटी ऑफ द पेपिनो फॉर्म फ्लेक्सेस विथ द स्क्रोटम इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये पेपिनो फॉर्म में जब वेरिकोसिटी और डायलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्क्रोटम के अंदर? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है हाइड्रोसील, सेकंड है हिमेटोसील, थर्ड है स्पर्मेटोसील और फोर्थ है वेरिकोसील। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वेरिकोसील है, और वेरिकोसील के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। वेरिकोसील आर व्हेन द पेपिनी फॉर्म फ्लेक्सेस वेन्स इन द स्क्रोटम बिकम इनलार्ज, दीज वेन्स आर लाइक वेरिकोज वेन ट्विस्टेड स्वेलिंग वेन्स फाउंड इन द लेग। वेरिकोसील्स फ्रॉम ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे कैन ग्रो लार्जर एंड यू कैन मे नोटिस देम मोर ओवर टाइम। वेरिकोसील्स आर मोर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रोटम। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट साइड स्क्रोटम रहता है उस एरिया में ज्यादातर पाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है सूजन आ जाती है और जो वेरिकोज वेन होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है, मुड़ी हुई हो जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट हेल्प प्रिपरेशन द एंडोमेट्रियम टू रिसीव एंड इम्प्लांट द फर्टिलाइज ओवम इज। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है जिसको प्रिपेयर करने के बाद एंडोमेट्रियम रिसीव होने के बाद में इम्प्लांट और फर्टिलाइज करने में मदद करता है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टान, थर्ड है ऑक्सीटोसिन और फोर्थ है प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रोजेस्टान है, और प्रोजेस्टान इंजेक्शन दोस्तों यदि आप गायनिक के क्लिनिक में कभी गए होंगे तो यहाँ पर ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं गायनिक वो लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। इसका डोजेस के बारे में आपने सुना होगा या लगाया होगा आपने IM या IV। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए एडल्ट पेशेंट इज कैटेगराइज एज ए ओलिक यूरिक एक्यूट रेनल फेलियर व्हेन इज यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों एक एडल्ट पेशेंट है तो हम ओलिक यूरिक एक्यूट रेनल फेलियर में कब उसको कैटेगराइज करेंगे यदि उसका यूरिन आउटपुट कितने से कम है? तो फर्स्ट है लेस देन 200 ml पर डे, सेकंड है लेस देन 400 ml पर डे, थर्ड है 500 ml पर डे और फोर्थ है लेस देन 600 ml पर डे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लेस देन 400 ml पर डे से यदि कम है तो उसे हम किस में काउंट करेंगे, कैटेगराइज एज ए ओलिक यूरिक एक्यूट रेनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड इज कॉल्ड। तो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड हम इसमें से किसको बोलेंगे? फर्स्ट में है टिनिजमस, सेकंड है बोर्बिजिमस, थर्ड है हिमेटोचेरिया, फोर्थ है हिमेटोइमेसिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बोर्बिजिमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव स्लीपिंग इज कॉल्ड। तो एक्सेसिव स्लीपिंग को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंसोमनिया, सेकंड है नेक्रोलेप्सी, थर्ड है सोमेनोबोलिज्म, फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों नेक्रोलेप्सी है, और नेक्रोलेप्सी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्रोलेप्सी इज ए क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई ओवर हेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस एंड सडन अटैक ऑफ स्लीप। पीपल्स विथ नेक्रोलेप्सी ऑफ्टन फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे अवेक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑन टाइम रिगार्डिंग ऑफ द सर्कमस्टेंस। नेक्रोलेप्सी कैन काज सीरियस डिसरप्शन इन योर डेली रूटीन। तो दोस्तों यहाँ इसमें क्या होता है, पेशेंट डे टाइम में ड्राउजीनेस हो जाता है और उसको सडन स्लीप का अटैक आ जाता है कि वो एकदम से सो जाता है, और जिसकी वजह से उसके जो डेली रूटीन वर्क है उसमें अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेन इज रिजल्ट ऑफ इंफ्लामेशन इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों पेन का जो
पेन और इन्फ्लामेशन का काजेज है प्रोडक्शन की वजह से, तो कौन कौन से हैं एक्सेप्ट में सिवाय एक के? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हिस्टामिन, सेकंड है ब्रेडिकिनिन, थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन और फोर्थ है मेलेटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मेलेटोनिन है, जो कि कलर का काम करती है स्किन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओपनिंग ऑफ ए बाउंड विथ एक्सपोजर ऑफ ए इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड। तो दोस्तों किसी बाउंड को एक्सटर्नल ओपन और इंटरनल ऑर्गन की वजह से होता है तो हम क्या बोलेंगे? आंतरिक अंगों का अनावरण के साथ एक घाव के खुलने को निम्न कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है डिहिसेंस, सेकंड है इविसेरेशन, थर्ड है कोलियोइड फॉर्मेशन, फोर्थ है इचार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इविसेरेशन है, जिसको अंतड़ी निकलना बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी परफॉर्म टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस इज कॉल्ड। तो दोस्तों किसी बीमारी को सीमा या निदान की पुष्टि के लिए की गई सर्जरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में पैलिएटिव, सेकंड है डायग्नोसिस, थर्ड है एक्सप्लोरेटरी, फोर्थ है क्यूरेटिव। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों एक्सप्लोरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन पोटेशियम हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड एज। तो पोटेशियम इंजेक्शन है दोस्तों, उसको कैसे है आप लगाओगे एडमिनिस्टर करोगे? फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सेकंड है इंट्रावेनस बोलस, थर्ड है इंट्राडर्मल और फोर्थ है इंट्रावेनस विथ आईवी फ्लूड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यही है इंट्रावेनस विथ फ्लूड। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पोटेशियम का इंजेक्शन होता है ये कभी भी आईएम या आईवी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ए डिक्रीज फ्लूड वॉल्यूम इज। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हाइपरटेंशन, सेकंड है हाइपोटेंशन, थर्ड है पोस्टरल हाइपोटेंशन, फोर्थ है टैकीकार्डिया। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों पोस्टरल हाइपोटेंशन है। और पोस्टरल हाइपोटेंशन के बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं, जिसको कि पोस्टरल हाइपोटेंशन को आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज आल्सो कॉल्ड पोस्टरल हाइपोटेंशन इज ए फॉर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर दैट हैपेंड व्हेन यू स्टैंड अप फॉर सिटिंग और लाइंग डाउन। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कैन मेक यू फील डेजी, लाइट हेडेक एंड मे बी इवन कॉज यू इन्फेंट। दोस्तों इसमें जो होता है ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है, और जब आप खड़े होते हैं तो आपको खड़े होते नहीं बनता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको चक्कर भी आ सकती है, बेहोशी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन द वाटर लॉस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोलाइट लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्ट अकर्स। तो जब दोस्तों अपने शरीर में पानी की कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट से अधिक, तो उस संबंध में कौन सी कंडीशन बनती है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आइसो ओस्मोलर, सेकंड है हाइपर ओस्मोलर, थर्ड है हाइपोटोनिक और फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हाइपर ओस्मोलर। और हाइपो ओस्मोलर को दोस्तों ऑल्सो इज कॉल्ड हाइपर ओस्मोलर सिटी बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, विच ऑफ ब्लड हैज ए हाई कंसेंट्रेट ऑफ साल्ट। दोस्तों यहाँ पे ब्लड क्या होता है कंसेंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और साल्ट बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, अदर सब्सटेंस बढ़ जाते हैं। दिस ड्रा ऑफ वाटर आउट ऑफ द बॉडी इन अदर ऑर्गन इंक्लूड द ब्रेन, रिस्क फैक्टर इंक्लूड ए स्ट्रेसफुल इवेंट सच एज इन्फेक्शन, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक और रिसेंटली सर्जरी। तो इस तरह दोस्तों कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूड आर नॉर्मली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एक्सेप्ट। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंट्रावस्कुलर, सेकंड है इंट्रासेलुलर, थर्ड है इंट्रास्टीशियल, फोर्थ है इंट्राडर्मल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंट्राडर्मल है, जो कि तरल पदार्थ सामान्य रूप से निम्नलिखित सभी स्थानों में पाए जाते हैं सिवाय इंट्राडर्मल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वन विच कंटेन ब्लू प्रिंट फॉर ऑल द प्रोटीन्स इन द बॉडी इज। तो दोस्तों वह कौन सी प्रोटीन है जिसके द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है डीएनए, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ है न्यूक्लियर एनवेलप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डीएनए है, और डीएनए के बारे में आप लोगों ने अक्सर सीआईडी वगैरह में या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि डीएनए टेस्ट किया गया किसी का क्रॉस मैच करने के लिए, उसके पेरेंट्स या बच्चे या माता पिता का जब भी चेक करना रहता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एजेंट यूज टू स्टेबलाइज ओरल पोलियो वैक्सीन इज।
तो दोस्तों कौन सा एजेंट यूज किया जाता है ओरल पेरियो वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सेकंड है पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड है मैग्नीशियम क्लोराइड, फोर्थ है सोडियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज किया जाता है पोलियो वैक्सीन को स्थिर या स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाई पेशेंट देम सेल्फ विदाउट रिकोर्स टू हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो दोस्तों यदि किसी पेशेंट को घर पे सेल्फ मेडिकेशन ले रहा तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट है डॉट्स, सेकंड है डोमिसाइल ट्रीटमेंट, थर्ड है शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों डोमिसाइल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी लॉस ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ ए फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति या पर्सन को मनोवैज्ञानिक शारीरिक संरचना में कोई भी नुकसान होता है या कोई असामान्यता पाई जाती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है डिसेबिलिटी, सेकंड है हैंडीकैप, थर्ड है इम्पायरमेंट और फोर्थ है रिहेबिलिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इम्पायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन बीच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिसीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंस कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन और फोर्थ है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसमें क्या करते हैं कि वह क्रिया जिसमें बीमारी की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण में रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन इंफेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द ए होस्ट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वायरुलेंस, सेकंड है पैथोजेनेसिस और थर्ड है इन्फेक्टिविटी, फोर्थ है पैथोजेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वायरुलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो निम्नलिखित में से, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोरोना वायरस से संबंध कौन सी बीमारी रखती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एमएआरएस, सेकंड है सार्स, थर्ड है बोथ एमएआरएस एंड सार्स और थर्ड है फोर्थ है नाइदर एमएआरएस नॉर सार्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों थर्ड आएगा, बोथ है एमएआरएस और सार्स। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एमएआरएस का जो फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एमएआरएस, और दोस्तों इज ए कंटाजीनियस बीमारी है और या सम टाइम फेटल रेस्पिरेटरी इलनेस ऑफ्टन स्प्रेड थ्रू द क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन इन्फेक्टेड पर्सन। दोस्तों ये इन्फेक्टेड पर्सन से फैलने वाली बीमारी है और यहाँ पे दोस्तों ये समटाइम फाटल, फाटल मतलब होता है दोस्तों घातक, और कभी समय यह घातक बन जाती है यदि फैलती कैसे है, किसी भी कंटामिनेटेड पर्सन से फैलती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कोरोना के जरिए सभी पे एक दूसरे पे ये फैल रहा था। और नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे या ऐसे ARS, सार्स, सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इज ए वायरल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिसीज और कॉज्ड बाय ए सार्स एसोसिएट विथ कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्किन रेसेस आर इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ, तो स्किन रेसेस से क्लिनिकल फीचर के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड है एड्स, थर्ड है मेजल्स और फोर्थ है टिटनेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है थर्ड है मेजल्स है, मेजल्स में स्किन रेसेस बनते हैं खसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कास्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज, तो चिकन पॉक्स का कास्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है वेरिसोला जोस्टर वायरस, थर्ड है सेकंड है पैरामोक्जी वायरस और थर्ड है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और फोर्थ है वेरिलो वायरस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कास्टिव एजेंट चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इंडिया हु हैज अचीव्ड टॉप रैंक ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ 2021। तो दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया था, और यहाँ पे जो टॉप रैंक में फॉर्च्यून ऑफ वर्ल्ड है और 50 ग्रेटेस्ट लीडर में शामिल हुए थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए अधर पूनावाला, सेकंड है मुकेश अंबानी, थर्ड है नरेंद्र मोदी और फोर्थ है रणदीप गुलेरिया। दोस्तों ये राइट आंसर है अधर पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग द सेंट्रल वेनस प्रेशर, दोस्तों जब सेंट्रल वेनस प्रेशर को हम नापते हैं तो द 0.1 मैनोमीटर कैन बी केप्ट एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम बाई प्लेसिंग इट। तो जो दोस्तों जो जीरो लेवल हम रखते हैं एट्रियम को, तो कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में बताए देखिए, तो
फर्स्ट है मिड एक्सिलरी लाइन, सेकंड है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, थर्ड है शोल्डर लेवल और फोर्थ है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मिड एक्सिलरी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू अवॉइड हिंड्रेंस इन पेशेंट केयर इज कॉल्ड एज। दोस्तों जो पेशेंट को देखने के लिए या इमरजेंसी सभी केयर की सभी सुविधाओं के लिए हम इन्वेंट्री बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकंड है सुपरविजन, थर्ड है स्टाफिंग और फोर्थ है लीडरशिप। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल है। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, रोगी की देखभाल में बाधाओं से बचने के लिए किसी भी समय दवाओं और उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि जितने भी मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आईसीयू में रखाई जाती हैं या अदर जो भी वार्ड रहते हैं, इमरजेंसी वार्ड रहते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट और मेडिसिन जो है सभी को काउंट करके और ध्यान करके रखा जाता है, उसी को इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री बनाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरेप्ट इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो सबसे पहला दांत है दो जोड़ी में आते हैं दोस्तों, तो किसको बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है कस्पिड्स, सेकंड है इंसीजर्स और थर्ड है मोलर्स और फोर्थ है कैनाइंस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंसीजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज टू असेस द इनगुइनियल हर्निया। दोस्तों जो इनगुइनियल हर्निया होती है उसको असेस के लिए कौन सी पोजिशन यूज में लाई जाती है। फर्स्ट है प्रोन, सेकंड है लेफ्ट लेटरल, थर्ड है लिथोटॉमी और फोर्थ है स्टैंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द जॉब रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए चीफ नर्सिंग ऑफिसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर रहती है उसकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है एक को छोड़ के। तो फर्स्ट है दोस्तों एडमिनिस्ट्रिंग नर्सिंग सर्विस, सेकंड है डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर, फोर्थ है डेवलप पॉलिसीज फॉर द इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट एक्सेप्ट में आएगा प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर। तो ये बेड साइड नर्सिंग देखभाल प्रदान करना किसका काम नहीं है, तो ये जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर रहती है वो इसका काम नहीं है बेड साइड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। तो दोस्तों ये एक्सेप्ट में आएगा, तो राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल असेसिंग पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी चेक्ड। तो दोस्तों जब पल्स चेक करते हैं तो उस समय हम क्या क्या आकलन या अनुमान लगाते हैं। फर्स्ट है रेट, सेकंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है रिदम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों एक कर्मचारी को केवल वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए प्रशासन के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हायरार्की, सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड है डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी, फोर्थ है इंप्लीटी टू क्राफ्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन ए पर्सन विथ ब्लीडिंग बॉन्ड इज। तो दोस्तों जो प्राइमरी अपना लक्ष्य रहेगा किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो क्या है। ऑप्शन में दिए गए राइट आंसर, फर्स्ट है इन्फॉर्म फैमिली, सेकंड है टू अरेस्ट ब्लीडिंग, थर्ड है इन्फॉर्म पुलिस और फोर्थ है टू टेक टू हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टू अरेस्ट ब्लीडिंग, हमें जो ब्लड बह रहा है उसको ब्लड को बहने से रोकना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर, बाय।